अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ए एच की पैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यू मोबाइल E4000 इसका कोड किस तरह खोला जाता है, किस तरह अनलॉक किया जाता है। तो दोस्तों, ये मोबाइल है SPD का, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दरकार होंगी। एक तो SPD के USB ड्राइवर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, और दूसरा मैकल का क्रैक, जो बग़ैर बॉक्स के आप इसको इंस्टॉल करके ओपन कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपने इनको ओपन कर लेना है। USB के ड्राइवर ज़रूर इंस्टॉल कर लेने हैं। अगर आपको इंस्टॉल नहीं करने आते तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें। और दूसरी बात कि आपको किस तरह पता लगेगा कि ये मोबाइल SPD का है, ये आप गूगल पर जा कर सर्च कर सकते हैं कि ये मोबाइल का मॉडल, और आगे फ्लैश फाइल सर्च करेंगे तो सामने आ जाएगा SPD, MPA वगैरह वगैरह। तो ये मेरा मोबाइल जो है, ये तो है SPD का, मैंने आपको बता दिया है। और इसका जो है बूट की का बहुत मसला होता है। बूट की किस तरह चेक की जाती है, आपने कोई भी दो बटन सेम टाइम पे दबाने। अब इसकी बूट की 0 है, तो मैं 0 का बटन दबा के और पावर ऑन करने की कोशिश करता हूँ, तो ये आप देखेंगे कि ऑन ही नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं, मोबाइल ऑन नहीं हो रहा। जो इसकी बूट की होगी, वो दोनों बटन आप प्रेस करेंगे तो मोबाइल कभी भी ऑन नहीं होगा। बाकी आप कोई भी बटन प्रेस करेंगे, यानी कि ये एक का बटन मैं प्रेस करके तो पावर ऑन दबाता हूँ, तो ये ऑन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ऑन हो गया। इससे साबित होता है कि इसकी 0 का जो बटन है वही बूट की है। अब इसको कोड एक लगा हुआ है यहाँ पे 0, ये 4 दफ़ा मैंने लगाई है तो ये नहीं लग रही, 1 2 3 4, ये भी नहीं लग रही। तो अब इसको हमने कनेक्ट किस तरह करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका बूट की 0 है। अब यहाँ पे आते हैं कंप्यूटर पे, इस पे आपने SPD के ऊपर क्लिक करनी है। SPD के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो नीचे आपको RD अनलॉक ये ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे आपने नीचे 6531E ये आपने सर्च कर लेना है। 6531E यहाँ पे लिखा हुआ है SPD 6631E, लेकिन ये असल में 6531E है। तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है 6631E पे, फिर स्टार्ट का बटन दबाना है। दोस्तों, फिर से बता दूं कि USB के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुए तो फिर आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं होगा। अब स्टार्ट का बटन दबाने के बाद ये टूल हमसे कह रहा है कि अपना मोबाइल कनेक्ट करें, तो उसके लिए हमें ये केबल इसमें लगानी है। वो किस तरह लगानी है, ये बैटरी आपने इस तरीके से रख लेनी है थोड़ी सी बाहर, ठीक है। और 0 का बटन जो आपके मोबाइल की बूट की होगी, वो आपने दबा के इस तरह दबा लेनी है। और अगर SPD का मोबाइल है तो दोस्तों तब आपने करना है। अगर MTK का मोबाइल है फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप वैसे ही बैटरी लगा के तो केबल लगा सकते हैं। अगर SPD का मोबाइल है तो इस तरह आपने बैटरी थोड़ी सी बाहर रख लेनी है, और उसकी बूट की, इसकी 0 है तो मैं 0 दबा लेता हूँ, और केबल कनेक्ट जैसे ही करनी है फ़ौरन से बैटरी दबा देनी है, यानी कि एक बैटरी इसमें लगा देनी है। तो मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ से टाइम ज़्यादा हो गया तो दोबारा मैं स्टार्ट कर लूँ। अब इसमें ये मैंने केबल लगाई और फ़ौरन से बैटरी भी मैंने लगा दी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वो कोड सर्चिंग पे लग गया है हमारा मिरेकल का टूल। तो हमें ये कोड कुछ इसने बता दिए, स्क्रीन लॉक 0111, स्क्रीन लॉक 111। इसमें से हटा लेता हूँ इसका जो कोड है वो लगा के चेक करते हैं। तो ये सामने कोड आपके लिखे हुए हैं, आपको भी नज़र आ रहे होंगे। तो इसका अनलॉक का कोड हमने ढूंढना है। ये लिखा हुआ है अनलॉक का कोड 00, ये तो हमने डायल किया ही लेकिन ये नहीं लगा था। अब इसका कोड दूसरा है 2580, ये हो सकता है, ये एक दफ़ा लगा के चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसका कोड अनलॉक हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, इसी के साथ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।